व्हाट्स अप व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल विद अनदर वीडियो। तो गाइस, लास्ट वीडियो में आप लोग ने काफ़ी प्यार दिया और मेरे चैनल को भी काफ़ी प्यार दिया, और उसके लिए तहे दिल से मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरा अभी 8000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है, और लास्ट जो मेरा वीडियो था डीजे ब्लॉग वाला वीडियो, उसने आप लोग ने काफ़ी प्यार दिया और वो करीबन अभी 260,000 व्यूज़ पार कर चुका है गाइस। उसके लिए आप लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और गाइस, उस वीडियो में काफ़ी सारे मेरे दोस्तों ने, करीबन 10 से लेकर 15 दोस्तों ने मुझे ये पूछा कि ये मेरा सेटअप जो है उसका कॉस्टिंग क्या है। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि आज उसका पूरा डिटेल्स में बताना चाहूँगा कि इसका जो है प्राइस क्या क्या रहेगा, और इसमें हम लोग ने क्या क्या यूज़ किया था, और उसका पूरा डिटेल्स का प्राइस हम लोग बताएंगे। साथ ही में हो सके तो उसका अमेजोन का लिंक मैं दे दूँगा आपको, बाइंग लिंक, जिसके कारण से आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके उसको खरीद सकते हैं। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही में बेल वाले आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग मशीन से, जो कि मैंने यूज़ किया था, हमने यूज़ किया था डायनाटेक का V4000, जो कि अमेजोन में करीबन 40,000 का आसपास में मिलती है, लेकिन मैंने ऑफलाइन मार्केट में तब के समय में थोड़ा ऑफर चल रहा था, तो मैंने ये लिया था 36,000 में। तो इसका हम लोग 36,000 पकड़ लेते हैं। और साथ ही में हम लोग बेस यूज़ किए थे, हम लोग ने ए प्लस का, जो कि 1200 आउटपुट दे रही थी RMS, और जिसका हम लोग का पड़ा था 40,000, यानी कि इसका 36,000 और ये 40,000। तो गाइस, आप लोग ये माइंड पे लेते चलिए, या तो आप कागज़ और पेन लेके इसका ऐड करते चलिए। तो मैंने बताया एम्पलीफायर का दाम 36,000 और साथ में बेस का 40,000, और साथ ही में गाइस हम लोग ने टॉप में हम लोग यूज़ किए थे JBL का कॉपी कैबिनेट, जिसमें RCF मॉडल में हम लोग जाली नेट यूज़ किए थे, और उसके अंदर में हम लोग POD का 500 वॉट डाले थे, यानी कि 4 POD का 500 वॉट का स्पीकर, जिसका अराउंड कॉस्ट आया था 20,000। और साथ में टोटल जो सेटअप का कॉस्ट, यानी कि टॉप का कॉस्ट जो है, आप लोग पकड़ लीजिए 40,000, कैबिनेट वगैरह, अंदर का नेटवर्क वगैरह सब कुछ करके 40,000। तो यानी कि हम लोग बेस का 40,000 हो गए और टॉप का 40,000 हो गए। हम लोग मिक्सर यूज़ किए थे डायनाटेक का, जो कि 3 चैनल का डीजे मिक्सर, जो कि मॉडल नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसका मैंने आप लोग को वीडियो भी बना के देख दिया हूँ, और इसका मैं भी जो रिव्यू और टेस्टिंग का मैं आप लोग को वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, साथ में आई बटन में आप लोग क्लिक करके इसका पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो इसका अराउंड कॉस्टिंग आया था 7,000। तो गाइस, ये सब आप लोग हिसाब करते चलिए। साथ ही में हम लोग यूज किए थे, हम लोग पालको में यूज़ किए थे, लाइटिंग में पालको यूज़ किए थे, जो कि 5 पालको यूज़ किया था, जिसका अराउंड कॉस्ट आता है 1500 रुपया करके, यानी कि 5 का हो गया 7500। और साथ ही में हम लोग एक फॉग मशीन यूज़ किए थे, जो कि डीप फॉगर का था, और उसका कॉस्टिंग आया था 3500, इसका 3500 पड़ा था। और साथ में हम लोग क्रॉसओवर यूज़ किए थे गाइस, क्रॉसओवर की यूज़ किए थे प्रोमैक्स ऑडियो का, जो कि 3-way क्रॉसओवर है गाइस, इसका मेरा करीबन 7,000 का कॉस्टिंग आया था। और तो गाइस, लगभग इसका टोटल ओवरऑल कॉस्टिंग आप लोग जोड़ने से, ऐड करने से पता चलता है अराउंड 1,50,000 के आसपास में है। तो मैं आप लोग को इसका टर्न वाइज टर्न आप लोग को सब ऐड करते हुए मैं बताऊँगा। सो गाइस, हमारा जो टोटल कॉस्टिंग जो है 1,41,000 आया। एक एक का मैंने डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जितना हो सके तो उसका लिंक दे दिया, और साथ में अमेजोन का लिंक दे दिया, आप लोग वहां पर जाके परचेस कर सकते हैं। और साथ में इसका मैंने फर्स्ट टू लास्ट आप लोग को जितना भी इसका प्राइजेस हो सके तो इसका मैंने एग्जैक्टली ये जो प्राइस है एग्जैक्टली ये बता नहीं पाऊँगा, इसका अप्रोक्स प्राइजेस बता रहा हूँ आपको, जो कि मेरा ये प्लेस से लेकर प्लेस वेरी करता है ये प्राइजेस, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर से डिस्ट्रीब्यूटर वेरी करता है, तो इसीलिए मैं आप लोग को अप्रोक्स प्राइस दिखाया। तो गाइस, यही मेरे को ये इस वीडियो में बताना था। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले, साथ ही में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल पर, और मिलते अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते अगले ब्लॉग में, थैंक यू।